कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर का मामला पिछले कुछ दिनों से तूल पकड़े हुए है। नौरव फतेही और जैकलीन फर्नांडिस के अलावा इसमें निक्की उर्फ निकिता तंबोली और चाहत खन्ना का नाम भी सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दोनों ने सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट्स लिए हैं और साथ ही वो उनसे मिलने के लिए तिहाड़ जेल में भी गई थी। अब इस मामले पर निक्की ने चुप्पी तोड़ी है। पेपराजी से बात करते हुए उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर केस पर चंद शब्द कहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में निक्की तंबोली का नाम सामने आया था। अब एक इवेंट के दौरान उनसे मीडिया ने विवाद के बारे में पूछा तो निक्की ने कहा, मुझको जिसे जो बोलना है मैं उसे बोलूंगी। देखिए, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, सबको पता है कि उससे कैसे डील करना है। मैं दुनिया को नहीं बताना चाहती कि मैं कैसे डील करती हूँ। अब इस वीडियो में निक्की तंबोली ने साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत कुछ बयां कर दिया है। उनकी बातों से ये साफ है कि वो जो दावे कर रही हैं वो सच्चे हैं। आपको बता दें, निकिता तंबोली ने बताया था कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी रानी ने मिलवाया था, लेकिन नाम सही नहीं बताया था बल्कि कहा था कि ये शेखर है। पहले 2018 में मुलाकात हुई और 1.5 लाख रुपए मिले। इसके बाद वो उनसे मिलने के लिए तिहाड़ जेल गईं, जहां से उन्हें 2 लाख रुपए और एक गुची का बैग मिला था। लेकिन जब भी उनसे इस बारे में पूछा गया, उन्होंने ना तो सिर्फ हाँ कहा और ना ही ना कहा। खैर, अब इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने रिएक्ट करना भी शुरू कर दिया है।